Good evening, all of you. How are you all doing today? Now, I welcome you all to this Community in Reach program with the theme Learning English Through Physical Activity. Again, we are meeting for the Thursday event. It's a special event for the grammar, and we have given a name, a special name to this Thursday event. The name is Grammar Doctor. So here we go. We are going to start our session Learning Grammar, not grammar, but the functional grammar. Here we go. Perfect. So now we are going to start our grammar part firstly. We do not have the sensor pen also. They have put somewhere else. Oh no. Okay, I'll manage this way. Is it visible? Yes, sir. The slides are visible? Yes, sir. Perfect. Where is our duster? Where is our duster, Ultaf? I'm saying, where is our duster? Duster. Bring one. No, it's not there. Bring one, please. Sadiq, please help me. Please help. ये word है सबसे पहला action. पढ़ा दिया है मैंने ये part, but मैं थोड़ा सा revision करवाऊँगा क्योंकि problem ये होती है कि बच्चों का आना जाना तो चला रहता है, ठीक है, लगा रहता है. तो हम लोग action से शुरुआत करेंगे. जितने भी काम हो रहे हैं ज़िंदगी के अंदर, जो कुछ भी चल रहा है, ठीक है, किसी भी ज़ुबान को बोला जा रहा हो, इंग्लिश हो या कोई भी लैंग्वेज क्यों ना हो, कोई भी लैंग्वेज हो दुनिया की, हर एक लैंग्वेज के अंदर क्या है, हम लोग काम की बात कर रहे हैं. हम क्या कर रहे हैं? क्रिया, एक्शन की बात कर रहे हैं. मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, आप बैठे हुए हैं, औसाफ आ रहे हैं, ठीक है, ये सब क्या है? ये सब क्या है? एक्शन है. पेन, ठीक. अब इन एक्शंस को कोई ना कोई करेगा, इन एक्शंस को कोई ना कोई करने वाला होगा ना. जैसे मैं अभी टीचिंग कर रहा हूँ, आई एम टीचिंग. सो हु इज टीचिंग? मैं पढ़ा रहा हूँ. कौन पढ़ा रहा है? मैं. तो मैं कौन है यहाँ पर? हिंदी समझ आएगी ना सबको, सबके लिए ये इजी टू अंडरस्टैंड है. मैं पढ़ा रहा हूँ. तो ये मैं कौन है? आई. आई कौन है? मैं. उमर ज़मीर, ट्रेनर उमर ज़मीर इज टीचिंग नाउ. सो ये आई कौन होगा? इसको बोला जाएगा, इस आई को बोलेंगे सब्जेक्ट. वो बंदा जो एक्शन को कर रहा है, इसलिए नाम दिया है डूअर. डूअर ऑफ द एक्शन. डूअर ऑफ द एक्शन. रिपीट आफ्टर मी. डूअर ऑफ द एक्शन. जो भी काम है, यू आर सिटिंग. यू आर सिटिंग. सो हु इज सिटिंग? यू कौन? आप सब. ठीक है, तो ये यू कौन है? सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट समझ आ गया, एक्शन समझ आ गया. दो बातें सीख ली अभी हम लोगों ने ग्रामर डॉक्टर के अंदर. सो द टुडेज थीम इज ग्रामर डॉक्टर. वी आर लर्निंग फंक्शनल ग्रामर. वी आर लर्निंग फंक्शनल ग्रामर कॉज वी आर अटेंडिंग स्पोकन इंग्लिश ट्रेनिंग. इंग्लिश ट्रेनिंग. सो दिस इज व्हाई. So this is why we are learning functional grammar. क्या आप सारे लोग एक काम कर सकते हैं? अभी अपनी अपनी नोटबुक पर मुझे ग्रामर वर्ड लिख कर दिखाइए. ग्रामर, ग्रामर लिखिए. ग्रामर बस ये वर्ड लिख देना है. लिख दिया. ई लगाया या आर लगाया है? ई या ए?
ग्रामर लिखिए, ए ग्रामर लिखिए, ग्रामर लिखा, ई लगाया या आर, एम के बाद, एम के बाद ई आर, ठीक ठीक। ग्रामर की स्पेलिंग ये है, दिस इज द ग्रामर, ए ई क्यों लगाया है? अब ये गलती है लोगों की, मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर में, गॉट द पॉइंट? तो यहाँ एक बात समझ आती है, तो कितने लोगों ने ई लगाया था, जरा रेज योर हैंड, ई कितने लोगों ने लगाया हुआ था? 1, 2, 3, अराउंड 30% लोगों ने जो है ना। तो हम लोगों ने दो बातें समझी, एक्शन और एक समझा सब्जेक्ट। एक्शन मीन्स काम, कोई भी काम, काम जो हो रहा है, जैसे यहाँ टीचिंग लर्निंग का काम हो रहा है, ठीक है, प्लेइंग ये भी एक काम है, राइटिंग ये भी एक काम है, चैटिंग ये भी एक काम है, जो इसको कर रहा हो वो कौन कहलाएगा? सब्जेक्ट। आई यू ही, आई मीन्स मैं, ठीक है, यू मीन्स तुम जिससे बात करी जा रही हो, ही मतलब थर्ड पर्सन, ही मीन्स थर्ड पर्सन, जो हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट ना हो, हमारे कम्युनिकेशन में जो बंदा इंक्लूड नहीं है, वी कॉल हिम ही। फर्स्ट पर्सन आई, आई एम राइटिंग, आई एम लर्निंग, आई एम सिटिंग। तो तीनों बातें आपके लिए ऊपर ये लागू हो रही हैं अभी। सो रिपीट, यू, ये बात अपने अपने पार्टनर को बोल दीजिए, पार्टनर की तरफ देखिए अभी, हाँ बोलिए, यू आर राइटिंग, यू आर लर्निंग, यू आर सिटिंग। तो किससे, तो यू कौन है अभी आपके केस में? यू। तो यहाँ एक बात देखने वाली ये है कि इन्होंने इनको यू कहा, इन्होंने इनको यू कहा, तो आखिर यू है कौन? सब्जेक्ट तो है। सेकंड पर्सन भी है, सब्जेक्ट भी है, ये सारी बातें तो मैंने समझ ली, ठीक है ना। अभी आप लोग मुझे पढ़ा रहे हैं, सपोज आई एम अ विलेजर, आई एम फ्रॉम अ रूरल इंडिया, आई डोंट नो इंग्लिश, राइट नाउ आई एम स्पीकिंग हिंदी, एम आई स्पीकिंग हिंदी, एम आई स्पीकिंग हिंदी, आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, बट आई डोंट नो इंग्लिश, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, सो आई डोंट नो हु इज यू, हु इज सेकंड पर्सन। तो बात ये थी कि इन्होंने इनसे कहा आई एम राइटिंग, फिर इन्होंने कहा यू आर राइटिंग, ठीक है, तो इन्होंने इनसे कहा, तो फिर इनके केस में ये सेकंड पर्सन हो गए, फिर इन्होंने इनसे कहा यू आर राइटिंग, तो इनके केस में ये सेकंड पर्सन हो गए। तो ये कम्युनिकेशन पर डिपेंड कर रहा है, कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है, गॉट द पॉइंट, कौन किससे कम्युनिकेट कर रहा है। कम्युनिकेशन मीन्स, कम्युनिकेशन का हिंदी सरल भाषा में समझ लेते हैं बातचीत, इंग्लिश, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं, बिकॉज वी आर लर्निंग इंग्लिश नॉट हिंदी, इंग्लिश में भी समझ लेते हैं। कम्युनिकेशन मीन्स टू कन्वे द आइडिया, टू कन्वे द मैसेज, टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ओके, ये कम्युनिकेशन हुआ। और दूसरी बात क्या इंक्लूड है कम्युनिकेशन के अंदर में, जिससे कम्युनिकेट किया जा रहा हो वो समझ भी ले आपकी बात को, ये भी ज़रूरी है। तो कम्युनिकेशन के अंदर में ये सारे स्टेप्स इंक्लूड किए जाते हैं। किसी दिन हम इन डिटेल थोड़ा इसको समझेंगे, व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो तीन तरह के पर्सन्स के बारे में हम लोगों ने बात की हुई है यहाँ पर, आई, यू, ही। सो ही इज राइटिंग, ही इज लर्निंग, ही इज सिटिंग, ही इज सिटिंग। तो ये ही कौन हुआ, अब इसको समझ लेना है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ आइए जल्दी से, जिसको भी मैं बुलाऊं तो थोड़ा जल्दी आ जाना है, टाइम ज़्यादा नहीं लेना है। तो मैं इनसे बात कर रहा हूँ, रजा, ही इज सिटिंग, ही इज राइटिंग, ही इज लर्निंग। तो मैंने अभी अल्ताफ के बारे में बात की हुई है यहाँ पे, तो मेरे इनके कम्युनिकेशन में अल्ताफ कौन है? ही, थर्ड पर्सन। तो कम्युनिकेशन पर डिपेंड करेगी ये बात, किसके बारे में बात करी जा रही है, ठीक है, बैठिए। तो ये इजी बात थी, नॉर्मल थी, कोई लंबी चौड़ी इसमें नासा की साइंस तो इन्वॉल्व नहीं हो रही है ना। यू आर गोइंग टू क्रिएट अ कोड फॉर डिवेलपिंग अ मिसाइल, सिंपल थी। तो आई को हम लोग फर्स्ट पर्सन सिंगुलर कहते हैं, एक है ये, यू को सेकंड पर्सन सिंगुलर, थर्ड को, ठीक, नॉर्मल, ये सारे कैसे थे, सिंगुलर थे। ये टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं जल्दी चल रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इतना
बी कूल, समझ आ जाएगा, बी रेगुलर, जस्ट इट्स अ लैंग्वेज, जस्ट अ लैंग्वेज, नॉट अ साइंस. सो बी कूल एंड काम. आई कम हेयर, इसकी हिंदी बता दीजिए आप जुबैर. आई कम हेयर, आप बताइए आरिफ इसकी हिंदी. आई कम हेयर, मैं आ रहा हूँ. आप बताइए पूनम इसकी हिंदी. आई कम हेयर, मैं आया. अल्ताफ आप इसकी हिंदी बताइए. मैं यहाँ आया हूँ. आप बताइए. रजा, मैं यहाँ आया हूँ. सादिक आप इसकी जरा हिंदी बताइए. आई कम हेयर, व्हाट्स गोइंग ऑन. हाँ बताइए. मैं यहाँ आता हूँ. मैं यहाँ आता हूँ, हैबिचुअल एक्शन है ये. आई कम हेयर, ठीक है. आई टेक शावर, मैं नहाता हूँ. आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है. मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ठीक है. आई रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, मैं इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ. आई रीड नॉवेल्स, मैं नॉवेल पढ़ता हूँ. आई राइड माई बाइक, R15, मैं बाइक चलाता हूँ. तो ता ती ते वाला जो सेंस है ना हिंदी के अंदर में, जिन सेंटेंसेस के अंदर में ता ती ते आता हूँ, ये एक पहचान है, ठीक है. बट हम फोकस ज़्यादा नहीं करेंगे हिंदी पर. इंग्लिश को या किसी भी लैंग्वेज को लैंग्वेज की तरह ही समझना है. हिंदी आपने किसी और ज़ुबान को समझ कर नहीं समझी थी, आपने हिंदी समझी थी हिंदी को समझ कर. इसी तरीके से इंग्लिश को समझना है, इंग्लिश को ही समझ कर. सो डू नॉट गो विद अ ट्रांसलेटरी अप्रोच, गो विद अ ट्रिकल डाउन अप्रोच. लर्न द लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज, लर्न द लैंग्वेज एज अ लैंग्वेज. तो तातीते वाला जो सेंस होता है ना, एक ये पहचान है. एक दूसरी पहचान यह है कि जो काम रोज़ करने के होते हैं, रोज़ाना ही करता हूँ मैं, ठीक है. रोज़ाना होता है, हैबिट्स, रूटीन, शेड्यूल का पार्ट है, ऐसा होता ही है. अब वो चाहे हमारे शेड्यूल का पार्ट हो या किसी के भी शेड्यूल का पार्ट हो जिसके बारे में बात चल रही हो, बस वो शेड्यूल का पार्ट होना चाहिए, ठीक. आमिर तो ऐसा करता ही है, वो लेट आता ही है. ये सारे सेंटेंसेस क्या हैं, इस कैटेगरी के अंदर में जाएंगे. इस कैटेगरी का नाम है सिंपल प्रेजेंट. सिंपल प्रेजेंट, मैं आप लोगों को बहुत ज़्यादा ग्रामर की जो टेक्निकल टर्म्स में वहाँ भी नहीं ले जाना चाहता. मैं सिंपल आपको स्पोकन पार्ट सिखाना चाहता हूँ. सिंपल बस स्पोकन इंग्लिश सीख जाएं आप, हाउ टू कन्वे द मैसेज. ये मेरी ख्वाहिश है, ये मेरी चाहत है, एंड आई एम वर्किंग फॉर दैट. गॉट द पॉइंट? यस सर. लेकिन चूंकि ये भी एक पार्ट होता है कि हमें ये बात आनी चाहिए कि ग्रामर का ये कौन सा रूल है, तो इसको क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट. इसकी डिटेल आएगी, बहुत लंबी डिटेल आएगी जल्दी ही. तो हैबिचुअल एक्शन है ये. यू कम हेयर, तुम यहाँ आते हो. ही कम्स हेयर, वो यहाँ आता है, ठीक है. तो कम के अंदर ये ई एस को ऐड किया हुआ है, क्योंकि ये क्या है, ही है. ये क्या है, ही है. इसको समझ लेना है. ही कौन है, थर्ड पर्सन. तो थर्ड पर्सन की जब भी बात करते हैं हम लोग, थर्ड पर्सन की जब भी बात करते हैं, वर्ब के अंदर एस या ई एस ऐड करना होता है. वर्ब के अंदर ये रूल पता था ना आप लोगों को पहले से. यस पूनम, पूनम हाँ 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 तो बोला ना, एस को यूज करेंगे यहाँ पर. डज का यूज किया जाता है नॉट के साथ नेगेटिव सेंटेंस में. जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि आई वेक अप अर्ली, आई डू नॉट वेक अप अर्ली, तो डू कहाँ से आया, नॉट आया, तो डू भी आ गया. अभी आएगी वो डिटेल. और लोगों को परेशानी हो जाती है जब कोई क्वेश्चन आगे का आ जाता है ना, तो सो मेनी पीपल आर सिटिंग. ओके, सो वी नीड टू कोऑपरेट विद एवरीवन. तो वो डिटेल आगे आएगी. फिलहाल हम लोगों ने बस इतनी बात समझी है. पूनम डू इट फास्ट प्लीज, बी सीटेड, टेक योर सीट. थैंक यू सो मच. क्लैप फॉर पूनम. ओके, इट्स अ कॉन्ट्रीब्यूशन फॉर ह्यूमैनिटी रैदर.
ये बोलने का स्टाइल होता है ये. अब आप पूछेंगे ये रैदर कहाँ से लगा दिया, जैसे उस दिन उस कैंडिडेट ने बोला था कि फॉरगेट मतलब भूल जाए, इतना कुछ पढ़ा भूल जाए. तो कॉन्टेक्चुअल बातें हैं, यू विल लर्न ग्रेजुअली दीज थिंग्स. ओके, अब यहाँ पर थिंग्स लगा दिया, थिंग्स यू विल लर्न ग्रेजुअली दीज थिंग्स. अब थिंग्स यहाँ क्यों लगा दिया, सो इट्स अ स्पोकन पार्ट. यू विल लर्न दीज थिंग्स इवेंचुअली विद पैसेज ऑफ टाइम, यू विल लर्न द स्टफ. अब मैं थोड़ा सा स्किप कर रहा हूँ इसको, और मुझे कुछ चीज़ें बतानी है आप लोगों को. तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई होगा, प्लूरल इसका वी होता है, हम, मैं, हम. मैं वहाँ जाऊँगा, हम सब वहाँ जाएंगे, आई वी, नॉर्मल है ये. इसके नोट्स मैं दूंगा आपको ग्रुप पर. सेकंड पर्सन का सिंगुलर यू, तुम, इसका प्लूरल तुम सब, यू ऑल. थर्ड पर्सन का सिंगुलर के अंदर में क्या क्या इंक्लूड होगा, ही, शी, इट, अहमद, विशाल, माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर. ठीक है, यानी के ही इंक्लूड होगा विच वी यूज फॉर मेल, शी इंक्लूड होगा विच वी यूज फॉर फीमेल, इट का भी यूज किया जा सकता है, एंड नॉर्मली वी यूज इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स. ओके, इट्स माय बुक, इट्स रेनिंग आउटसाइड. तो नॉन लिविंग के लिए हम लोग इसका यूज कर लेते हैं. बाकी ये जितने भी आए हैं ना यहाँ पर, ये सब नेम्स ही हैं, या तो नेम्स हैं या फिर टाइटल्स हैं, लाइक माय मदर, माय फादर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, माय एल्डर ब्रदर, माय यंगर ब्रदर, माय कजिन, माय ग्रैंडफादर, माय ग्रैंड मदर. ऑल दीज आर, या तो ये सारे नेम्स हैं या फिर ये सब कौन हैं, टाइटल्स हैं. इन सबको थर्ड पर्सन में इंक्लूड किया गया है, सिंगुलर. थर्ड पर्सन प्लूरल में कौन शामिल होगा, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड. हिंदी बताइए सुबह, दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड, वो ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट टीम अभी खेल रही है, तो उनको दे बोल दिया मैंने. दे की जगह क्या कह सकते हैं, दे की जगह क्या यूज हो सकता है उन बच्चों के लिए जो भी खेल रहे हैं, मतलब इंग्लिश में दे की जगह हम और क्या यूज कर सकते हैं उन बच्चों के लिए जो भी खेल रहे हैं ग्राउंड में. अल्ताफ को बोलने दीजिए, क्रिकेट टीम इज प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड. ठीक है, या फिर ये कह सकते हैं DPE, डिपार्टमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, क्रिकेट टीम इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, खेल रही है. ठीक है, तो दे की जगह क्रिकेट टीम भी बोला जा सकता है, DPE क्रिकेट टीम भी बोला जा सकता है, कुछ भी बोला जा सकता है. तो ये जो दे है ना, ये सब्जेक्ट है, चेंज होता रहेगा ये. माई पेरेंट्स, ये प्लूरल है, दो होते हैं ना पेरेंट्स. उस दिन एक बच्ची ने सवाल मुझसे पूछा था, पेरेंट्स क्यों यूज़ कर दिया, दो होते हैं ना इस वजह से. हर चिल्ड्रन, चिल्ड्रन प्लूरल है, ठीक, चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है. हिज फ्रेंड्स, एस लगा हुआ है, तो ये भी क्या है, प्लूरल है. नाउ आई हैव गॉट द पेन, हाँ, यस, इट्स वर्किंग, थैंक यू औसाफ, क्लैप फॉर द औसाफ. औसाफ इज अवर रिसर्च स्कॉलर, एंड क्लैप फॉर अल्ताफ ऑल्सो. अल्ताफ इज अवर सीनियर मेंबर, he is one of the most senior members of the department. I'm humble that Altaf is the part of our arena, of our journey, of our voyage. ab aap log puchenge ye voyage ka word kyu use kar diya. voyage kehte hain wo safar jo ship ke through hota hai, theek hai. to ye safar hai na ek tarike ka, to maine isko voyage bol diya. literary style hai ye bolne ka. हर क्लासमेट्स, उसके क्लासमेट्स, पूनम के क्लासमेट्स की बात चल रही है, नहीं खड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है. यू आर द फिजिकल एजुकेशनिस्ट. तो क्लासमेट्स भी कितने हैं, कजिन्स, सिबलिंग्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, ये सारे क्या हैं, प्लूरल, कलीग्स. एक बार बस स्लाइड को गौर से पढ़ लीजिए जल्दी से.
पढ़ लिया। मैं स्लाइड को ओपन रखूंगा, इट्स बेटर टू बी ओपन। मैं वन बाय वन कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, ठीक है। माय ब्रदर्स, ये इन पर्सन्स में से कहाँ लाइक रहेगा? माय ब्रदर्स, माय ब्रदर्स, थर्ड पर्सन प्लूरल। माय मदर, ये कहाँ आएगा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। इरफान्स ब्रदर, इरफान्स ब्रदर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। पूनम्स सिस्टर, शिवानीज ग्रैंड मदर। माई चाइल्ड, माई चाइल्ड, थर्ड पर्सन सिंगुलर। माई चिल्ड्रन, ओके। माई सिबलिंग्स, माई सन। सो नाउ वी आर हेडिंग टूवर्ड्स, इनमें से जल्दी जल्दी बताइए, आई कौन है? आई कौन है? आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट तो सारे ही हैं। फर्स्ट पर्सन प्लूरल या सिंगुलर? आई कितने होते हैं? एक होते हैं, तो ये सिंगुलर है। दे प्लूरल, वी थर्ड पर्सन फर्स्ट पर्सन व्हाट? फर्स्ट, वी हम सब, शी शी शहजाद, शी आई एंड यू, आई एंड यू कम्युनिकेशन का हिस्सा होते हैं। जब भी कम्युनिकेशन होगा आई और यू के दरमियान होगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे ही बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग टू यू मिस्टर शहजाद। कीप स्माइलिंग एज यू आर स्माइलिंग इज योर इन योर व्हाट्सएप डीपी, ही इज स्माइलिंग, ओके। सो आई और यू के दरमियान में कम्युनिकेशन होता है, तो इसके अलावा जो कुछ भी है और यू के अलावा, फिर वो सब थर्ड पर्सन में ही है, ठीक। या फिर कम्युनिकेशन किस किस के दरमियान हो सकता है? आई एंड वी के दरमियान, जैसे मैं बात कर रहा हूँ आपसे, ठीक है। इसी तरीके से आई एंड यू के दरमियान, आई एंड यू ऑल के दरमियान में कम्युनिकेशन हो सकता है, तो यू ऑल, ठीक। तो इस तरीके से कम्युनिकेशन होता है। तो ही शी इट, ये जितने भी लोग हैं ये सब कौन हैं? थर्ड पर्सन हैं ये। वो टीम जो खेल रही है उनको मैंने क्या बोला था? दे आर प्लेइंग, दे आर कमिंग, ठीक है। अभी बाहर एक बच्चा आ रहा है, उसका नाम है पीयूष, वो हमारे कम्युनिकेशन का हिस्सा नहीं है अभी। पीयूष इज कमिंग, तो पीयूष कौन है? थर्ड सिंगुलर है। अब ये डिपार्टमेंट के अंदर क्लास में दाखिल हो गए, अब ये सीट पर बैठ गए, तो अब ये यू में इंक्लूड हैं, अब ये यू ऑल में इंक्लूड हो गए। जब तक ये बंदा बाहर था ये कौन था? थर्ड पर्सन सिंगुलर था ये। माई वाइफ, माई वाइफ बताइए, थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन सिंगुलर। अल्ताफ वाइफ कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। एक्शन को ही, अब हम लोगों ने सबसे पहले स्टार्टिंग की थी एक्शन से, एक्शन को ही क्या बोलते हैं? वर्ब, वर्ब। ही प्लेज क्रिकेट, हिंदी बताइए इसकी पीयूष, वो क्रिकेट खेलता है। आई डू होमवर्क, हिंदी बताइए जुबैर, मैं होमवर्क करता हूँ, करता हूँ। यू स्पीक इंग्लिश, इरफान हिंदी बताइए, तुम इंग्लिश बोलते हो, ठीक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, तो हम लोग, मेरी बात सुने पहले, तो हम लोग वो एक एक्टिविटी कर रहे हैं कई दिनों से, जिसमें स्लिप्स को एक्सचेंज करवाया जाता है। एक तो अब ये महबूब आलम ये गायब थे, अब ये मेरी तरफ एलियन की तरह देखेंगे, जैसे कि मैं एलियन हूँ। आई केम हेयर जस्ट राइट नाउ फ्रॉम जुपिटर और मार्स, ठीक है।
एलोन मस्क से मिलने के लिए मैं आया हुआ हूँ कि यस मेक अ सोसाइटी देयर ऑन द मार्स। मैं कौन हूँ? एलियन, ठीक है, बट मुझे धूप की ज़रूरत नहीं है। नो, देयर इज ए एविडेंस, आई विल टेल यू एट द लास्ट ऑफ द क्लास, बिकॉज वी हैव वन गेस्ट अमंगस्ट अस, सादिक, क्लैप फॉर सादिक प्लीज। तो ये जो वर्ब है ना, इसका बहुत बड़ा रोल है वर्ब का, ठीक है। मैं खेलता हूँ, मैं खेला था, मैं खेल चुका हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो मैं खेलता हूँ, खेला था, खेल चुका हूँ, खेलता हूँ, ठीक है, और खेल रहा हूँ, तो ये चार अलग अलग बातें हो गई। मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ चुका हूँ, मैं पढ़ा था, मैं पढ़ता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तो अलग अलग बातें हैं। तो उन्हीं की वजह से हम लोगों ने ये फोर फॉर्म्स में डिवाइड किया हुआ है इसको, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म है। हम लोग इसको कई दिन से डिस्कस कर रहे हैं, इसीलिए डिस्कस कर रहा था, इसीलिए वो एक्टिविटी करवा रहा था बार बार, सिलेब एक्सचेंज, ठीक है ना। आप लोगों ने गौर भी नहीं दिया हुआ कि इतना सिलेब एक्सचेंज क्यों करवा रहे हैं। सो दिस इज़ द रीज़न कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है लैंग्वेज का। विदाउट नोइंग द एग्जैक्ट फॉर्मेशन, विदाउट यूजिंग, विदाउट द इम्प्लीमेंटेशन और वर्ब, यू कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। वर्ब्स की साइंस को समझे बिना, वर्ब्स के एग्जैक्ट फॉर्म को इम्प्लीमेंटेशन के बिना आप इंग्लिश नहीं बोल सकते सही। तो दिस इज़ व्हाई आई वॉज फोकसिंग ऑन द वर्ब। तो ये चार फॉर्म है, इसको V1, V2, V3 फॉर्म भी कहा जाता है, ठीक है। तो V1, V2, V3 फॉर्म, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, कम, केम, कम, कमिंग, डिस्कस किया है ना हम लोगों ने ये कई दिनों में। तो थोड़ा सा इसकी डिटेल को समझ लेते हैं। ये जो वर्ब्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है मेनली, रेगुलर, इरेगुलर। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? इरेगुलर पढ़ रहे थे हम लोग कई दिनों से। रेगुलर की खास बात ये होती है, रेगुलर वर्ब डी और ई डी के ऐड करने से इसकी V2 V3 फॉर्म बन जाती है। जैसे कि एक वर्ब है यहाँ पर सेव, सेव्ड, इसकी V2 फॉर्म हो जाएगी, ED ऐड किया, सिर्फ ED ऐड किया हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से कॉल, कॉल्ड, ED ऐड करने से इसकी V2 फॉर्म बन जाएगी। तो इसके अंदर में जो सिर्फ समझने वाली बात है ना पीयूष, वो बस इतनी ही है। इसको भी पढ़ाएंगे, नो डाउट, इट्स अ ईजी टॉपिक, वी विल स्टडी दिस पार्ट ऑल्सो, ग्रेजुअली वी विल स्टडी। तो इसकी क्वालिटी ये है कि डी और ईडी को लगा देने से इसकी V2 V3 फॉर्म बन जाती है, ठीक है। मैंने तुम्हें कॉल की थी, इंग्लिश में नहीं, मैंने तुम्हें कॉल की थी, आप अपने फ्रेंड को ये बोलते रहते हैं ना हम हर वक्त, आए कॉल्ड, तो कॉल्ड क्यों लगाते हो? कॉल्ड, ये कॉल्ड कहाँ से आया? ये V2 फॉर्म है, पास्ट फॉर्म है, ठीक है। ये क्या है? पास्ट फॉर्म है। इसी तरीके से मैंने कल फुटबॉल खेला, आई प्लेड फुटबॉल, मैंने कल बाइक चलाई, आई रोड बाइक, तो ये रोड, प्लेड, ये कहाँ से आया? इन रूल्स की वजह से आया हुआ है। तो जब भी रेगुलर वर्ब आएगा ना, रेगुलर वर्ब की क्वालिटी क्या है सिर्फ ये समझ लेना है, इसका फीचर, इसकी क्वालिटी, इसका प्रिंसिपल, इसका सिद्धांत यह है कि इसको V2 V3 में कन्वर्ट करने के लिए D या ED को लगाया जाता है। मैंने कल अपना रूम साफ किया, आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे, आई क्लीन्ड माई रूम यस्टरडे, ठीक। बट जो इरेगुलर वर्ब्स हैं, जो कि 400-500 हैं इंग्लिश में, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो हम लोग कितने पढ़ेंगे यहाँ पर? 150 पढ़ेंगे। 150 भी अगर किसी बंदे को आता है ना, तो 150 into 4 यानी 600 आते हैं, और अराउंड इतने ही हम लोग रेगुलर भी पढ़ लेंगे। तो 1200 वर्ड्स तो मैं यही पढ़ा दूंगा आप लोगों को एक ही टॉपिक के अंदर, और भी टॉपिक्स हैं, वी विल कवर डेट पार्ट ऑल्सो। तो इरेगुलर वर्ब की क्वालिटी यह है कि यहाँ DED से काम नहीं चलता, बल्कि इनका जो सीरीज़ है, इनकी जो साइकिल है, इनका जो कैटेगराइजेशन है, वो डिफरेंट है। जैसे कि स्पीक, स्पोक, स्पोकन, तो सीरीज ही अलग है ये, टीच,
टॉट टॉट सीरीज अलग है, खम खेम खम सीरीज अलग है, खट 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 तो तीनों सेम, खट खट खट, फुट 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 फुट, गो वेंट गॉन, सीरीज अलग है। तो एक ऐसे वर्ब्स की क्वालिटी, एक ऐसे वर्ब की कैटेगरी जहाँ अलग अलग सीरीज बनती हों, वी वन वी टू वी थ्री फॉर्म को, उनको क्या बोलते हैं? इरेगुलर वर्ब्स बोलते हैं। तो समझ आया, इसलिए मैं इतना फोकस कर रहा था उस टॉपिक पर। अब हम लोग समझ लेते हैं ये जो टेंस, ठीक है, ये जिंदगी भर आपको परेशान करता लेकिन अब नहीं करेगा, फॉर्चुनेटली यू आर अटेंडिंग दिस वर्कशॉप। करता, आई एम सेइंग करता, इट वुड, ठीक है, इट वुड करता, ये इट वुड क्रिएट डिफिकल्टी फॉर यू, ठीक है। जब कोई बात काल्पनिक स्टाइल में चल रही हो, कल्पना वुड का यूज किया जाता है, वुड, और जब कोई बात श्योरिटी के साथ में बोली जा रही हो तो विल का यूज किया जाता है। दोनों बातें फ्यूचर की ही हैं, कल्पने के स्टाइल में हो तो, और एक श्योरिटी के साथ में है तो वुड वेल, ये डिफरेंस है। अब ये जो बात बता दी ना, अभी कई घंटे सर्च करते यूट्यूब पर तो ये नहीं समझ आती एक मिनट में, यहाँ खड़े होकर एक मिनट में समझ आ गई ये बात। बस ये फायदा है यहाँ का। बोर्ड शहजाद टेक डस्टर, ये जो टेंस है बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज में तो जाएंगे नहीं, इजीएस्ट स्टाइल में, मोस्ट इजीएस्ट स्टाइल में समझने की कोशिश करेंगे। टेंस ये है, उन्हें क्यों देखा आपने, मेरी तरफ देखिए ना, टीचर इज हियर, द टीचर इज हियर, सो लिसन टू मी। अलग अलग टाइम्स के अंदर में किसी बात को डिफाइन करना, अलग अलग टाइम्स में किसी बात को डिफाइन करना। मैम नहीं लिखी है, आप वी विल प्रोवाइड, ओके। अलग अलग टाइम्स में किसी बात को डिफाइन करना, यही टेंस है, ठीक है। मैं खाता हूँ, मैंने खाया था, मैं बर्गर खाता हूँ, मैंने बर्गर खाया था, मैं बर्गर खा चुका हूँ, ठीक है, मैं बर्गर खाऊँगा, ठीक है, या मैं बर्गर खा रहा हूँ, ये सब क्या है? अलग अलग टाइम्स में एक ही बात को कहा जा रहा है, यही है टेंस, बस। क्वेश्चन, टेंस किसको बोलते हैं हिंदी में बताइए? अलग अलग टाइम्स में अपनी बात को, अपनी बात को कहना, अलग अलग, ठीक है ना, अलग अलग टाइम्स, यही टाइम है। जमाना भी कह सकते हैं, उर्दू में इसे मसदर भी कहा जाता है, ठीक है, हिंदी के अंदर में अलग अलग नाम है इसके, ठीक है। आई स्टडीड इन उर्दू मीडियम स्कूल, एक्चुअली उर्दू मीडियम स्कूल, फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो व्हाट, बट आई स्टडीड, ओके। तो टेंसेस को मेनली तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, प्रेजेंट, ओके, पास्ट, फ्यूचर, तीन तरह के हैं, या तो हम प्रेजेंट में बात करेंगे, या फिर पास्ट की बात करेंगे, या फिर फ्यूचर की, ये तीन जमाने हैं। तो प्रेजेंट को हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में? वर्तमान, और पास्ट को भूतकाल, और फ्यूचर को भविष्यकाल, ठीक है। उर्दू में बताएंगे आप? माजी, हाल, मुस्तकबिल, यस करेक्ट, जस्ट लीव इट, डाइजेस्ट ओनली दोज बर्गर्स विच यू कैन डाइजेस्ट, ओके। इफ यू कैन नॉट डाइजेस्ट किंग साइज बर्गर, देन लीव इट फॉर द व्हाइट हाउस, देन लीव इट फॉर द व्हाइट हाउस, यस प्लीज। अब हर एक टेंस को जो है ना चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है इंग्लिश के अंदर में, क्या है वो टेंस? जैसे प्रेजेंट टेंस को चार हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, प्रेजेंट सिंपल, ठीक, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसी तरीके से पास्ट टेंस को भी चार हिस्सों में डिवाइड किया है, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर को भी फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आता रहेगा, इसलिए मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे रहा हूँ। अगर किसी बात को मैं तेज़ी से लेकर जा रहा हूँ तो समझ लीजिए कि वो आने वाला है फ्यूचर में भी, और अगर कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है तो फिर मैं उस पर रुकता हूँ। ये मेथोडोलॉजी का हिस्सा है, तो आप लोग इससे परेशान ना हुआ करें कभी भी। डन,
और ये आप लोगों ने बचपन में ज़रूर सुना होगा कि इस तरीके के टेंसेस होते हैं, ठीक है। इन चार चिड़ियाओं के नाम कहीं ना कहीं आप लोगों ने सुन रखे होंगे बचपन के अंदर। परफेक्ट। तो प्रेजेंट सिंपल की क्वालिटी यह है जिसकी हम लोग अभी शुरुआत में बात कर रहे थे कि इसके अंदर हैबिट्स का जिक्र होता है, रूटीन का जिक्र होता है, आदतों का जिक्र होता है, स्केड्यूल डेली कर जो के काम होते हैं डेली के, आप करते हो या आपका भाई करता हो, आपकी मम्मी करती हो, कोई भी करते हो, वो सब प्रेजेंट सिंपल में ही इंक्लूडेड हैं। इसकी क्वालिटी यह है कि हम लोग इसको पढ़ते वक्त एक तो सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे और मेन वर्ब का यूज़ करेंगे। मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगा। कैसी फॉर्म में होगा? फर्स्ट फॉर्म के अंदर में मेन वर्ब को यूज़ करना हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी ब्रेव लोग हैं वो सारे हाथ उठाइए, जो लोग यहाँ आना चाहते हैं। यस प्लीज पीयूष कम कम, बट डू वन थिंग बिफोर डैट। यस प्लीज कम, कट द सिलेबस इनटू टू पार्ट्स इक्वली, टू पार्ट्स एंड गिव इट टू मी बैक। कट द सिलेबस इनटू टू पार्ट्स, दिस वन आल्सो, डू फास्ट। Give me back. Yeah, thank you. Collect all those. This is your slip. Too fast. Oh, wonderful. The light has come. Thank God. Yes, please. Read the question. Do you drive a car? Inka question hai, do you drive a car? Yes, I drive. Do you drive a car? Answer kijiye. Answer it. I drive a car. Yes, I drive a car. तो ये drive जो था ना, जो इन्होंने बोला drive. Yes, I drive a car. Yes, I drive a car. I drive. ये drive क्या है? V1 है. A car. मैं एक car चलाता हूँ. ये simply car चलाता हूँ. I drive a car. ठीक है. तो ये जो action इन्होंने अभी बताया है ना, ये कौन से tense का है? सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट सिंपल, इसको प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोलते हैं बाय द वे। प्रेजेंट इंडेफिनेट भी बोला जाता है, यहाँ रिटन नहीं है बट कीप इट इन योर नॉलेज। ओके महबूब प्लीज कम। रीड लाउडली। डू यू हेल्प द पुअर पीपल? आंसर आंसर। आई हेल्प। So he is saying I help poor people. I help poor people. तो ये help क्या है? V1. ये V1 है। मैं करता हूँ गरीब लोगों की मदद। You please come. Thank you. Do you ride a bike? Simply ये question है। Do you ride? बाइक? yes, yes, क्या तुम yes, क्या तुम राइड क्या तुम बाइक चलाते हो? हिंदी बताइए इसकी। क्या तुम बाइक चलाते हो? आंसर yes, राइड। हिंदी बताइए। हाँ मैं बाइक चलाता हूँ। आई राइड बाइक। मैं बाइक चलाता हूँ। ये राइड क्या है? वी वन। और ये आई क्या है? सब्जेक्ट। तो बात क्या समझ आई? बात ये समझ आई है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर में सब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब यूज़ किया जाएगा, ठीक है। और वर्ब जो होगा ना, ये मेन वर्ब ही कौन सी फॉर्म में होगा? वी वन फॉर्म के अंदर में यूज़ किया जाएगा। ये क्वालिटी है। जुबैर यू प्लीज़ कम, रीड योर क्वेश्चन। शहजाद प्लीज़ कम। डू यू टेक रेस्ट? आंसर आंसर इट। हाँ यू आंसर। Yes, I take some rest. तो ये take क्या है? ये take कौन सी form है महबूब? ये V1 form है। I take V1 form। और ये I क्या है? Subject है। ठीक है। लेकिन जो question सारे पूछे गए हैं उसके अंदर जो subject है ना वो you है। सब में क्या आया हुआ है? You। और आंसर किस में दिया जा रहा है? आई में। तो पूछ कौन रहा है? हम। तो मेरे लिए जिससे भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा है, जैसे इनसे मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। रीड द क्वेश्चन। ओ डू यू टीच इंग्लिश? ओ नहीं, डू है वो। डू यू टीच इंग्लिश? डू यू
डू यू टीच इंग्लिश? तो ये क्वेश्चन किससे पूछ रहा हूँ मैं? इनसे। ये क्वेश्चन इस बंदे के लिए, तो मेरे लिए ये कौन है? यू। आंसर कीजिए। यस आई टीच इंग्लिश। यस आई टीच इंग्लिश। ही इज सेइंग आई, तो आई कौन है? मैं। ये बंदा है। मी। तो कंसेप्ट समझ आ गया ना, सब्जेक्ट का कंसेप्ट समझ आ गया, वर्ब का भी कंसेप्ट समझ आ गया। क्वेश्चन पूछिए, यहाँ तक बैठी पूनम, यू प्लीज कम। रीड। अल्ताफ प्लीज कम। डू यू रीड न्यूज़पेपर? यस आई रीड न्यूज़पेपर। सो डू यू रीड? यस आई रीड। सो डू यू रीड? यस आई रीड। ही इज सेइंग और शी इज सेइंग यस आई रीड। यस आई रीड न्यूज़पेपर। तो ये रीड क्या है? इनकी वी टू वी थ्री फॉर्म डिटेल में, ठीक है, वो है, लेकिन हम लोग उसको कहाँ पढ़ेंगे? उसी एक्टिविटी में पढ़ेंगे। वो एक सीरीज है जहाँ मैंने बोला है कि मैं 500-600 के अराउंड वर्ब्स पढ़ाऊँगा। कम हियर, कम इन द सेंटर। सिमिलरली, बी साइलेंट प्लीज फॉर अ व्हाइल। सिमिलरली ये जो सीरीज चल रही है टेंसेस की, इसमें मैं ग्रामर पोर्शन को कवर करूँगा। गॉट द पॉइंट? रीड योर क्वेश्चन। डू यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग? तो ये वेक, वेक कौन सी फॉर्म है? यस आई वेक अप। ये भी वी वन फॉर्म है। ये भी क्या है? वी वन फॉर्म है। ओके, थैंक यू, बी सीटेड। तो यहाँ तक आइडिया क्लियर हो गया होगा, आई होप। मजा आया? इस स्टाइल में तो ग्रामर और इंग्लिश आप लोगों को लाइफ में पहली बार ही पढ़ने का मौका मिल रहा है, राइट और रॉन्ग? सो थैंक यू, से थैंक्स नॉट टू मी, टू द डिपार्टमेंट। तो क्या बात करते हैं? हैबिट्स, हैबिट्स की बात करते हैं, रूटीन की बात करते हैं, शेड्यूल की बात करते हैं हम लोग। क्या बात करते हैं? शेड्यूल, रूटीन की बात करते हैं। इसकी पहचान क्या है हिंदी में? ता है, ती है, ते हैं। मैं खेलता हूँ, वो खेलती है, वो खेलते हैं, ठीक है। ही प्लेज फुटबॉल, शी प्लेज फुटबॉल, दे प्ले फुटबॉल, ठीक है। तो इसकी हिंदी पहचान क्या है? ता है, ती है, ते हैं। ही प्लेज फुटबॉल, खेलता है, शी प्लेज फुटबॉल, खेलती है, दे प्ले फुटबॉल, खेलते हैं, खेलती है। प्लूरल के लिए ही थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस ई एस ऐड करना होता है। इसकी डिटेल आएगी, मैंने इसकी डिटेल अभी नहीं बताई है ना, इट मीन्स आएगी, बी पेशेंट। एग्जाम्पल्स रीड कीजिए एक बार लाउडली, रीड लाउडली। आई ड्रिंक टी, एसीएस जोड़ा नहीं जोड़ा? You eat rice नहीं जोड़ा, एस सी एस इसमें ऐड नहीं किया। She drives, जैसे ही she आया यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर आया, एस सी एस ऐड कर दिया। यस, ड्रिंक टी, मैं चाय पीता हूँ। आई टेक टी, आई हैव टी, चलता है, सब चलता है। You are right and you are also right. I will tell you later. Be patient. ठीक है, अब अगर आप सिर्फ ड्रिंक ही बोलेंगे ना, तो मैं अभी यहाँ खड़े होकर अभी कई वर्ड्स बता दूंगा, फिर आप कहेंगे बोले, ठीक है, अभी मैं कई बातें बता दूंगा। तो देर आर अदर पीपल फॉर ऑल्सो सिटिंग। ड्रिंक मीन्स पीना, मैं चाय पीता हूँ, बस इतनी बात समझ लीजिए, ठीक। दिस करेक्ट, कम्प्लीटली करेक्ट, ठीक है। अभी आप ग्रामरली पर भी चेक कर सकते हैं। शी ड्राइव्स, मुद्दे की बात समझिए, व्हाट इज द एजेंडा हेयर? द एजेंडा हेयर टू लर्न वर्ब
सिंपल प्रेजेंट। और ये एस ई एस कहाँ कहाँ लगाना है, ये एस ई एस कहाँ लगाना है? दे स्पीक कोरियन, दे स्पीक कोरियन, वो कोरियन बोलते हैं। ही टीचेज इंग्लिश, वो इंग्लिश पढ़ाते हैं। ही टीचेस, तो ही कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है, एस ई एस लगाएंगे। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर जब भी आएगा एस ई एस ऐड करना है। कब? सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल प्रेजेंट में। मेरे साथ एक बार हाँ अफर्मेशन कर लीजिए छोटा सा, मेरे साथ रिपीट करना जो भी मैं अभी बोलूँगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस में, थर्ड पर्सन सिंगुलर में, जब भी वर्ब आएगा उसमें एस या ई एस ऐड करेंगे। जैसे ही टीचेज इंग्लिश, शी प्लेज फुटबॉल, ही प्लेज क्रिकेट, माई फादर रीड्स न्यूज़पेपर, रीड्स न्यूज़पेपर। तो माई फादर, ही, शी, इट, ये सब कौन थे? थर्ड पर्सन सिंगुलर थे। माई ब्रदर लिव्स इन दुबई, माई ब्रदर लिव्स इन दुबई। तो ब्रदर कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। शी टेक्स, शी कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। माई फ्रेंड प्लेज प्लेज फुटबॉल। तो माई फ्रेंड कौन है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। मैं कह रहा हूँ मेरा महबूब, मेरा दोस्त फुटबॉल खेलता है, इसकी हिंदी बनाई है मैंने। तो मेरा दोस्त अभी यहाँ है कोई? दो, यू ऑल आर माई फ्रेंड, ओके। लेकिन मैं अपने किसी चाइल्डहुड फ्रेंड की बात कर रहा हूँ, स्कूल फ्रेंड की बात कर रहा हूँ। तो वो वाला फ्रेंड तो अभी यहाँ नहीं है ना हमारी कम्युनिकेशन में। तो क्या लगाएंगे? एस, एस ई एस लगा देंगे। एस कब लगाते हैं, ई एस कब लगाते हैं, इसकी एक डिटेल है, आई विल टीच यू लेटर। हम लोग एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, दिस इज़ अवर लास्ट टॉपिक। मेरे साथ इसको रिपीट कीजिए। माय नेम इज़ मानव, आई एम 23 इयर्स ओल्ड, आई वेक अप एट 6 o'clock। महबूब इसकी हिंदी बताइए फर्स्ट लाइन की। मेरा नाम अजय है, मैं 23 साल का हूँ, आई वेक अप एट 6 o'clock, मैं रोजाना सुबह 6 बजे उठता हूँ। तो ता आ गया ना ये, तो ये वेकअप क्या है? नेक्स्ट लाइन पढ़िए पूनम। एवरी डे एक्सेप्ट संडे, संडे के अलावा आई डू, आई डू, ये डू क्या है? वी वन करता हूँ एक्सरसाइज, आई टेक शावर, क्लीन माई टीथ, कॉम्ब माई हेयर। सो ये टेक, क्लीन, कॉम्ब, ये सब क्या है? वी वन है, क्योंकि ये सब क्या बता रहा है? अपना अपना डेली रूटीन बता रहा है, ठीक है। इरफान रीड दिस लाइन, देन आई हैव, फिर मैं नाश्ता लेता हूँ या खाता हूँ। अब खाने के लिए क्या यूज़ किया है? ईट भी यूज़ कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है अभी फिल वक्त, अभी फ़िलहाल कोई मसला नहीं है, आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। मसला होगा नहीं होगा, क्या रीज़न है, कहाँ क्या यूज़ करना होता है, आई विल टीच यू इन स्पोकन पार्ट। एक स्पोकन सीरीज चल रही है, ये ग्रामर डॉक्टर की क्लास है, सो लर्न ग्रामर हियर। तो हैव भी क्या है? वी वन फॉर्म है। हैव क्या है? वी वन फॉर्म है। इन द मॉर्निंग्स आई लाइक टू ईट फ्राइड एग्स, चीज सैंडविच, एंड टू ड्रिंक टी। यहाँ पर भी क्या आया है? ड्रिंक आया है। इट टेक्स मी टू 10 minutes टू गेट टू द कॉलेज, मुझे कॉलेज जाने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट लगते हैं, ते हैं, तो टेक्स, इट टेक्स, वी वन है ये भी, वी वन में ही एस ई एस जुड़ा हुआ है। माई लेसन्स बिगिन एट 8:30, लेसन मीन्स क्लास, ठीक है। तो मेरी क्लास 8:30 बजे शुरू होती है, ठीक है, बिगिन्स, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये लेसन्स है ना, प्लूरल है,
तो इसलिए बिगन लगा हुआ है यहाँ पर, अगर ये सिंगुलर होता तो फिर यहाँ पर एस लगा देते। एट 2 o'clock द लेसन्स आर ओवर, 2 बजे क्लासेस ख़त्म हो जाती हैं। आई रिटर्न होम एट अराउंड 2:30 एंड टेक रेस्ट। तो टेक क्या है? V1 है। आई वॉच TV, फिर मैं क्या करता हूँ? तो ये वॉच क्या है? V1 है। आई हैव लंच एट 3 o'clock, तो हैव क्या है यहाँ पर? V1 है। फॉर लंच आई यूजुअली ईट राइस। ईट क्या है? V1। इसकी V2 फॉर्म क्या है? ईट एट ईटन। और क्या खाता हूँ? फ्राइड पोटैटोस एंड सूप एंड अ पीस ऑफ केक फॉर डेजर्ट। पीस ऑफ केक फॉर डेजर्ट। देख रहे हैं आप मानव कितना अच्छा बच्चा है। He is so lucky. डिस्ट्रीब्यूट कीजिए गिफ्ट स्लिप्स टू द रेस्ट पार्टनर्स ऑल्सो। गिव मी रेस्ट वंस। अब आप लोगों को क्या करना है ना, आप लोग कितने बजे उठते हो सुबह? हाँ, कितने बजे उठते हो? शावर किस टाइम लेते हो? नाश्ता किस वक्त करते हो? क्लास के लिए कब आते हो? ट्रेनिंग कब स्टार्ट होती है? विद इन 6 lines ओनली, यू हैव 2 minutes ओनली, रैदर 90 seconds। कब उठते हो? कब शावर लेते हो? ब्रेकफास्ट कब होता है? ठीक है, मैंने वर्ड यूज़ किया हुआ है महबूब, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट नहीं, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट। शहजाद आई एम यूजिंग द वर्ड ब्रेकफास्ट, नॉट ब्रेकफास्ट। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ जाने वाले हैं शताब्दी एक्सप्रेस से आप लोग। ब्रेकफास्ट शिवानी, ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट है ना। घर पर जा करके बोल दिया अगर तो घर वाले पूछेंगे बोले कहाँ पढ़ा ये वर्ड आप लोगों ने, ब्रेकफास्ट। डू फास्ट, आर यू एंजॉइंग, आर यू एक्साइटेड? डू फास्ट, पीयूष डू फास्ट। Done. Who has done? Who has written? Who has written? Poonam, you have you done? Oh, perfect. Come. Please come, Poonam. Please. Clap for the Poonam. Please come. Rather do fast. Yes, please start. Yes, start. Loudly. Say loudly. Okay. I have breakfast 9:30 here. I go to college 11. At 11. At 11. I have lunch 2. Yes. I have taken lunch 2. I? My entire time. Read loudly, Poonam. Read loudly, yes. I enjoy time 3 to 8. Last. Last 3 lines. Last 3 about the rest. About the rest, read the line of rest. My resting time 6 to 8. No, yes. This is a wrong sentence. My resting time. Where is the sentence? I enjoy time 6 to 11. I have take rest. No, I take rest only. Have भी अपने आप में verb है, take भी अपने आप में verb है. ठीक है, एक ही verb आ सकता है ना. Simple sentence है ये. Be seated. ठीक है, अब ये गलती लाइफ में आप कभी नहीं करेंगी, कभी आप इंटरव्यू देने के लिए जाएंगी। सिंपल सेंटेंस है, वर्ब एक ही होगा। आइए जल्दी आइए, प्लीज़ कम। यस स्टार्ट। माय नेम इज मोहम्मद शहजाद। लाउडली से लाउडली। माय नेम इज मोहम्मद शहजाद, आई एम 22 इयर्स ओल्ड।
wake up at 5 o'clock every day. I go for class at 5:30. Then I came back at 10 o'clock. Then I come back. मैं आता हूँ. Come back. Then I come back at 10 o'clock. After that, I take shower, clean my teeth, comb my hair. Then I have my breakfast at 10:30. Breakfast. At 10:30 in my hostel dining. My hostel dining. ठीक है, तो कम बैक मैं आता हूँ. जब भी तातीता की बात चल रही होगी तो वी वन फॉर्म यूज़ करनी है. दिस इज़ द मिस्टेक. बी सीटेड. यस प्लीज़ कम. सुनना भी है और लोगों को. यस स्टार्ट महबूब. क्लैप फॉर महबूब. यस. आई वेक अप अर्ली एट 5:30 ओ'क्लॉक एंड गेट रेडी फॉर टू टेक प्रैक्टिकल क्लासेस दैट इज स्टार्ट एट 6:30 ओ'क्लॉक. आफ्टर फिनिशिंग माई क्लास एट 9:30 आई रिटर्न टू माई रूम and take breakfast and then I take shower and again ready to take my theory classes that starts at 11 a.m. हाँ भैया, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बता देते हैं. कभी आप इंटरव्यू के सामने, अभी कोई इंटरव्यूअर भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है. टेक वर्ड शायद 3-4 टाइम्स आया हुआ है. हालांकि टेक के साथ में आप हैव भी लगा सकते थे, जैसे कि गेट रेडी टू टेक प्रैक्टिस क्लासेस डेट स्टार्ट एट 6:30 इन द मॉर्निंग. अब ओ क्लॉक को दो बार यूज़ किया हुआ है, तो एक जगह ओ क्लॉक यूज़ कर लीजिए, एक जगह इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग चलेगा या खाली 6:30 भी चलता. 6:30 इन द मॉर्निंग कह दीजिए. आफ्टर फिनिशिंग माई क्लास एट 9:30 आई रिटर्न टू माई रूम एंड टेक माई ब्रेकफस्ट एंड टेक ब्रेकफस्ट एंड देन आई टेक शावर. आई हैव शावर. ठीक है, शावर के लिए भी हैव का वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, शावर के लिए भी हैव का वर्ड यूज़ किया जाता है. ठीक है, ये जो वर्ड है ना हैव, इसके बारे में बताऊंगा मैं अभी. एक मोस्ट यूनिक बात बताऊंगा. पीयूष, आई रिटर्न टू माय रूम दिस एंड ब्रेकफास्ट टेक रेस्ट शावर एंड अगेन रेडी टू टेक क्लास एट 11 एंड अगेन गेट रेडी. फिर से तैयार होता हूँ. गेट रेडी टू टेक माय क्लासेस दैट स्टार्ट्स एट 11 a.m. और 11 इन द मॉर्निंग. इसको करेक्ट करके दोबारा आइए. पीयूष प्लीज़ कम. अल्ताफ प्लीज़ कम. सादिक, आर यू ऑल्सो राइटिंग? कम फास्ट, वी डोंट हैव मच टाइम. माय नेम इज़ पीयूष कुमार सिंह. आई एम इसको करेक्ट किया है. आई एम 24 ईयर्स ओल्ड. आई वेक अप 4:30 a.m. इन द मॉर्निंग. आई डू जिम एट 5 o'clock. आई टेक शावर, क्लीन माई टीथ, कॉम माई हेयर एट 7 a.m. देन आई हैव माई ब्रेकफास्ट. आई ईट सोया चंक्स एंड प्रोटीन एंड हैव प्रोटीन एंड हैव अ स्कूप ऑफ प्रोटीन. ओके, इस तरीके से सेंटेंस को बना दीजिए. बनाइए दोबारा, आइए फिर से. Come again. Then, completed. Then I have my breakfast. I eat soya chunk and then I have one scoop of protein. That's it. Correct it. Again? Huh? Starting? No, take your seat. Oh, okay. And then correct. Come. Be ready. You please come here. My name is Irfan Khan. I am 23 year old. My name is Irfan Khan. I am 23 year old. I wake up at 5:30 o'clock every day, expected Sunday. I do morning exercise. I take shower. Shower. Then I have a breakfast. My lesson begins at. आने में लगा है. आगे जरूरत नहीं है. आई हैव ब्रेकफास्ट. आई हैव ब्रेकफास्ट. हाँ, हटा दीजिए वहाँ से. अभी आ बोला था ना. ठीक है ठीक है, आगे चलिए. माय लेसन बिगिन एट 11 o'clock. एट 2 o'clock द लेसन आर ओवर. आई रिटर्न होम एट अराउंड 2:30 एंड टेक रेस्ट. देन आई हैव लंच एट 2:30 o'clock. देन आई टेक सम रेस्ट. देन आई टेक सम रेस्ट. सम को हटा दीजिए वहाँ से, जरूरत नहीं है सम को लगाने की. ठीक है. यस प्लीज़ कम. अब ये जो मैंने इंट्रोडक्शन एक छोटा था शेड्यूल जो मैंने बता दिया, ठीक है, इसमें मैंने करेक्शन भी करवा दिए हैं. इतना आपको आना चाहिए कहीं भी बोलने के लिए, कहीं भी. ऐसी तो बंदा सीखेगा लैंग्वेज, और क्या है तरीका सीखने का. अब जो गलती बता दी
वो गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए. मेकिंग मिस्टेक इज़ गुड बट मेकिंग द सेम मिस्टेक इज़ वेरी बैड. ओके वी लर्न बाई मेकिंग मिस्टेक्स बट वी शुड नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक. इफ़ वी आर रिपीटिंग द मिस्टेक दैन इट्स नॉट अ मिस्टेक इट्स अ चॉइस इट्स अ हैबिट. बिकॉज देर इज़ अ नाइस सेइंग विच गोज लाइक दिस वॉच योर थॉट्स दे बिकम एक्शंस एंड वॉच योर एक्शंस दे बिकम हैबिट्स एंड वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर एंड वॉच योर कैरेक्टर बिकॉज इट बिकम्स योर डेस्टिनी. वॉच योर एक्शंस वॉच योर वर्ड्स वॉच योर थॉट्स. जी हाय सर जुबैर I wake up 6 o'clock, then I go morning exercise every day. ये जो वर्ड है ना माई सेल्फ, फॉर्मल कहीं पर भी अगर आप बोल रहे हो इंटरव्यू वगैरह में तो ये माई सेल्फ नहीं, या तो बोल दीजिए आई एम, सिंपली माई आई एम, या फिर माई नेम इज, सिंपल सेंटेंस यूज कीजिए माई सेल्फ, फॉर्मल नहीं. कंडीशनिंग क्लास स्टार्ट 7 o'clock टिल 9:30 o'clock, देन आई हैव ब्रेकफास्ट 10 o'clock एंड टेक शावर 10:15. Then I go to attend my lessons. अब पीयूष अल्ताफ, ठीक है, एज अ प्रोफेसर एज अ ट्रेनर आप लोग जाने वाले हैं, ठीक, लिसन टू मी केयरफुली. अब ये जो इस चले एक बार ये सेंटेंस पढ़िए प्लीज, ये वाला सेंटेंस. I have breakfast 10 o'clock. Listen. I have breakfast at 10 o'clock. ये जो इतना सारे पॉजेस लिए हैं ना, ये अगर आप लेंगे एज अ टीचर एज अ प्रोफेसर एज अ ट्रेनर सो इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग. सो दिस इज़ वाई आई विल टीच यू असिमिलेशन. जिस दिन भी मैं आप असिमिलेशन पढ़ाऊँ सारे लोग यहाँ मौजूद रहने हैं ऑन टाइम. वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी असिमिलेशन. असिमिलेशन क्या है? हाउ टू कनेक्ट टू साउंड्स टुगेदर. लाइक क्या सेंटेंस है? आई हैव ब्रेकफास्ट एट टेन ओ क्लॉक. तो साउंड्स को किस तरह से कनेक्ट किया जाता है? वी कॉल इट असिमिलेशन. देर इज अनदर टर्म अनदर टॉपिक अंडर द सेम हेडिंग थॉट चंकिंग. जिस दिन भी ये पढ़ाऊंगा मैं आई विल एडवर्टाइज ऑन द ग्रुप. अब जैसे मैंने ये वर्ड बोला है आई विल, तो मैंने विल तो बोला ही नहीं, आई बोला और ल बोला है. अल ठीक है. अल I'll advertise. We call it assimilation. Contraction of sound भी बोला जाता है, connection of sounds भी बोला जाता है, but all these things come under the purview of assimilation. Assimilation is a big umbrella. Contraction, flap, reduction, connection, intonation, modulation, all these are the part of assimilation. So we'll learn what? Assimilation. So if you can learn these things, you will be the champion. Be seated. Who is left? Come. You are left? Yes, still high already. Okay. My name is Altaf. I am 27 years old. I wake up at 5:10 a.m. every day to offer morning prayer. I recite Quran in morning every day. I take tea in morning every day. I take bath at around 8:30 a.m. to 9 a.m. I approach to department daily at 10:30 a.m. I go to home for lunch at 1:30 to 2 p.m. every day. I come back to the department at 4:30 p.m. every day to attend this workshop and also play badminton. I go back to home to take bath, then I go to the library for study. I have dinner at 11 p.m. and finally I sleep at 12 a.m. every day. There are so many mistakes. I'll teach you later. But learn these things. Okay. The nice thing is that you are here. The nice thing is that amongst all the research scholars of the Department of Physical Education, this guy is here. Put in the effort, clap for him. I like his courage. So, ये जो sentence मैंने बोला ना, I like his courage. ठीक है, so this is most important. So, at the last but not least, get up, wake up. ये word use किए थे कई लोगों ने. किस किस ने use किया ये word? Get up, wake up में डिफरेंस बता दीजिए आप मुझे महबूब. ठीक है, वो wake up. पीयूष आप बता दीजिए get up wake up में डिफरेंस. सादिक दोपहर द हाउस इज ओपन नाउ टेल मी द डिफरेंस बिटवीन get up एंड wake up. बेस्तर से उठ जाना. wake up means
सर गेट अप मींस रेडी होना, वेक अप मींस बिस्तर से उठना, जो नींद में होते हैं उससे उठना, वेक अप। वेक अप की मीनिंग बस सिंपली इतनी है, अलार्म बंद कर दिया, अलार्म को मोबाइल देख लिया, आँख खुल गई, लेट हुए हैं बिस्तर पर ही, अभी यहाँ बिस्तर नहीं है वरना मैं लेट कर दिखा देता डेमोन्स्ट्रेशन करके। अनफॉर्चुनेटली देर इज़ नो मैट्रेस बट आई विल आस्क टू द नॉन टीचिंग स्टाफ पुट अ मैट्रेस हियर। ठीक है, तो लेटे हुए हैं अभी आप, आँख ही खुली है बस, दिस कॉल वेक अप। उठ गए आप, आँखें वगैरह दिस एंड डेट आप लोगों ने कर लिया, थोड़ा आपने बिस्तर बिस्तर इधर भी कर दिया है हल्का सा, वी कॉल इट गेट अप, दिस इज द डिफरेंस। तो ये पता रहना चाहिए आप लोगों को। सिमिलरली ये है वेक अप, मतलब सो गए फिर उठे, वेक अप। कोई इंसान रात में 4 बजे जगा हुआ है, डिप्रेशन में चले गए पीयूष भाई हमारे, 4 बजे तक जगे हुए हैं, तो वो क्या है फिर, उसे क्या बोलेंगे, अवेक। ठीक है, कितनी गलत बात बोली है, ये सब बात नहीं करनी है। लैंग्वेज को लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस उठाकर लेकर के, ठीक है, मुझे अलाउड है एज अ टीचर, मैं किसी से थोड़ा मजाक कर सकता हूँ जस्ट टू गिव अ अम्यूजमेंट फीलिंग। ठीक है, ही इज़ लाइक माई यंगर ब्रदर, सो आई एम सेइंग। ठीक है, क्या वर्ड का मीनिंग बताया, उसको नींद नहीं आती, उसको ये बोलते हैं, नहीं बोलेंगे, अलग चीज़ हो जाएगी, वो नहीं बोलेंगे, यही तो मैं बोल रहा हूँ, नहीं बोलना है उसको। एक बंदा जगा हुआ ही है 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, अवेक, ही इज अवेक, ही इज अवेक। अब आती नहीं है ना, इसकी हिंदी मीनिंग कुछ और बनती है यहाँ यूपी में, बात को समझे, मैं क्यों मना कर रहा हूँ, मेरी बात को भी तो समझिए, मैं लैंग्वेज का ट्रेनर हूँ। आप, यू आर फ्रॉम कश्मीर, यू आर नॉट फैमिलियर विद द हिंदी डायलेक्ट, इन हिंदी द डायलेक्ट एंड द कॉन्टेक्स्ट इज डिफरेंट। लिसन, डोंट टेक इट अदरवाइज। अब ये जो वर्ड है ना हैव, इसकी क्वालिटी ये है, फूड के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, बात के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, और डिस्कशन के लिए भी इसको यूज़ करते हैं। यूट्यूब पर ये बात नहीं मिलेगी आपको इतना ईजिली, इसको समझ लीजिए। तो आई एम हैविंग फूड, आई एम हैविंग लंच, आई एम हैविंग ब्रंच, कुछ भी बोल सकते हैं, आई एम हैविंग बर्गर, आई एम हैविंग पिज्ज़ा, आई एम हैविंग हॉट डॉग, बाथ, आई एम हैविंग बाथ, आई एम हैविंग शावर, बोथ आर सेम मोर और लेस, देर इज अ बिट डिफरेंस बट मोर और लेस बोथ आर सेम, शावर एंड बाथ मोर और लेस बोथ आर सेम। डिस्कशन, आई एम हैविंग डिस्कशन, आई एम हैविंग चैट, आई एम हैविंग टॉक, टॉक चैट डिस्कशन, सारी बातें एक ही हैं। तो इन तीनों के लिए हम लोग हैव को यूज़ कर सकते हैं। आई एम टेकिंग बाथ, आई एम हैविंग बाथ, बोथ आर सेम बट यूज हैव, ट्राई टू यूज हैव। ठीक है, अब यहाँ जो ये बात पढ़ा दी ना मैंने, हैव का ये तीन यूज़ है, एक तरीके से मैंने कॉमन एरर भी बता दिया लैंग्वेज का, कि इंडियंस या नॉन नेटिव स्पीकर्स ये गलती करते हैं, आप ना करें। तो इनके नोट्स अब आप बनाते रहिए अलग अलग, क्योंकि ये स्लाइड में नहीं है, तो जो चीज़ें स्लाइड में नहीं है वो आपके पास में होनी चाहिए एक अच्छी नोटबुक में। ठीक, तो वी आर गोइंग टू एंड अप द क्लास, वुड यू लाइक टू गिव फीडबैक फॉर द क्लास, फॉर टुडेज क्लास वुड यू लाइक टू गिव फीडबैक, यस प्लीज कम विद इन 30 सेकेंड्स। महबूब, वुड यू लाइक टू गिव फीडबैक फॉर टुडेज क्लास, जो भी आपने सीखा बस उसको 30 सेकेंड्स में बता देना है, यू हैव 30 सेकेंड्स नाउ। दिस क्लास ऑफ ग्रामर डॉक्टर वाज वेरी यूजफुल फॉर मी, आई हैव लर्न टुडे फॉर्म ऑफ वर्ड्स v1 v2 v3 v4 एंड आई हैव लर्न I have learned tenses. There are 4 types of tenses. I have learned today. जल्दी बता दीजिए, present, past, future. Simple. Time बहुत हो जाएगा. Present, past, future. हाँ, thank you. मैं वो please. Speed को increase करना है. उसके लिए tools पढ़ाएंगे. ठीक है, कल कुछ tools पढ़ाएंगे fluency को लेकर के. Actually, as a newbie, we
think in our mind that we can easily speak, but when we are going to speak English, we not thought as much as we create in our mind. So this is the, I think this is the best platform to boost up our communication, English communication, and to whatever we think, so deliver here. So I think this is the best place. ग्रामर के अंदर आज तक जो आपको नहीं आता था, जो आज सीखा, कोई भी एक बात बता दीजिए. ठीक है, टेंसेस में आपने जो कभी नहीं सीखा था, जो आज सीखा, कोई एक बात. तातीते. ठीक है, वर्ब, फॉर्म्स ऑफ वर्ब. ओके, थैंक यू. Thank you all of you. Thank you, I think it was a wonderful class today we had. Okay, we'll meet tomorrow at 4:30. Tomorrow we have a specific class with a combination of Grammar Doctor and the Speaking Club. Grammar Doctor plus Speaking Club. At the last, I'm ending this class, this session, with a quote of my trainer. If you failed, you have failed for a day. If you failed, you have failed for a day, not for the life. So get up and gear up, but never ever give up. Thank you so much.